माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। प्रकाश का पांचवा भेद में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। ईसा मसीह के द्वारा पवित्र यूक्रिस्त का स्थापना करता हुआ लास्ट सपर के समय पर, अंतिम भोजन के समय पर ईसा मसीह ने रोटी और दाखरस लेकर के, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है, नया विधान का रक्त बोल करके शिष्य लोगों को खिलाया पिलाया। इसके द्वारा ईसा मसीह ने अपना शरीर और रक्त हमारा भोजन बनाया, ताकि उसको ग्रहण करने के द्वारा हम सबों को स्वर्ग राज्य प्राप्ति हो, पाप मुक्ति हो। हमारा स्वर्ग राज्य प्राप्ति के लिए ईसा मसीह ने कालवरी बलि अर्पित किया। कालवरी में जो बलि है उसकी पूर्व संध्या में प्रभु ईसा मसीह ने एक सैक्रमेंटल सैक्रिफाइस, रक्त रहित बलि अर्पित करते हुए पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना किया और एक नियम दिया, यह मेरी स्मृति में किया करो। इस पास्का भोज की स्मृति में नहीं, प्रभु ईसा मसीह ने आग्रह किया, मेरी स्मृति में यह किया करो। ईसा मसीह का स्मृति, ईसा मसीह के सेकंड कमिंग तक, दोबारा आने तक कलीसिया में जारी रखने के लिए ईसा मसीह ने पवित्र मिस्सा बलिदान का स्थापना किया। ये बात हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 26 से 29 तक, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 26 टू 29 तक, मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 22 से 25 तक, मार्क चैप्टर 14 वर्स 20 टू 25 एवं लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 14 से लेकर के 20 तक, लूक चैप्टर 22 वर्स 14 टू 20, ये तीनों सुसमाचार के अंदर पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना के विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ पौलुस को ईसा मसीह ने प्रकट कर करके दिया, उसे कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 23 से 26 तक वचनों में इसका स्थापना के विषय में लिखा हुआ है। इसका मतलब हम लोगों को पवित्र बाइबल से ही पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना का बात मनन चिंतन करने के लिए मिल रहा है। उसको हम रोजरी माला का प्रकाश के भेद का पांचवा भेद के रूप में मनन चिंतन करते हैं। तो ये घटना ईसा मसीह ने कलवारी वाली साल्वेशन हिस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये वाला जो यूक्रिस्ती का जो स्थापना करना, वो कितना महत्वपूर्ण है हमारा मुक्ति कार्य के लिए। यदि हम लोग देखें पुराना विधान में इस प्रकार का एक विधान ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा सिनाई पर्वत के पास में किया था। ईश्वर ने मूसा नबी को सिनाई पर्वत पर बुलाया, दर्शन देकर के आदेश दिया, वहां पर मूसा नबी के द्वारा बेली छिड़का बेली अर्पित करते हैं और उसका रक्त लोगों पर छिड़काते हुए एक विधान जोड़ दिया था।
उसको हम लोग पुराना विधान कहते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट। अब ईसा मसीह ने मत्ती का सुसमाचार दिया है 26 वाक्य 26 से हम लोग पढ़ते हैं, यह नया विधान का रक्त है, नूतन विधान है, नया विधान। पुराना विधान में मूसा नबी द्वारा रक्त बहाना है, तो ईसा मसीह का रक्त बहा करके जो विधान जोड़ा उसको नूतन विधान, नया विधान कहते हैं, जो हमें स्वर्ग राज्य की योग्य बनाता है, जो हमें पाप मुक्ति देता है, जो हमें ईश्वर के साथ मेल मिलाप कराता है, वो नया विधान। पुराना विधान केवल उसका एक छाया मात्र था, नया विधान की ओर हमें लेकर के जाने वाला। दूसरी बात, ईसा मसीह के कलवारी बलि की पूर्व संध्या में ईसा मसीह ने ये यूक्रिस्तीय बलि को, रक्त रहित बलि को एक सैक्रमेंटल सैक्रिफाइस के रूप में स्थापित किया था। वो ये कल अगले दिन में कलवारी में होने वाला उस बलि का एक स्टार्टिंग हम बोल सकता है, उसी बलि को यहां पर रक्त रहित रूप से प्रभु ने किया। इसका मतलब कैथोलिक चर्च इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन करवाया। इसको स्थापित करना, यूक्रिस्त को स्थापित करने का मतलब है कलवारी बलि का रिप्रेजेंटेशन है। वो बलि कौन सा बलि, 2000 साल पहले कलवारी में प्रभु ईसा मसीह ने जो बलि अर्पित किया, वही बलि आज भी हरेक गिरजाघर में हो रहा है। हमें मालूम है उस यूक्रिस्तीय प्रार्थना में प्रवेश करते हुए पुरोहित हमें स्वर्ग की ओर लेकर के जाता है, हमारा हृदय मन प्रभु में लगाने के लिए बोलता है। और प्रभु, हम लोग बोलते हैं हमारा हृदय मन, अर्थात हम अब स्वर्ग का अनुभव में, इसका मतलब वो बलि फिर से स्वर्ग में अर्पित करता हुआ। कौन अर्पित करता है? मेन सेलिब्रेंट ईसा मसीह स्वयं है, वो स्वयं उस मिस्सा बलिदान में इस मिस्सा बलिदान को अर्पित करता है। सारे विश्वासियों के साथ मिलकर के एक पुरोहित को हम लोग देख रहा है। वो पुरोहित क्रिस्त के स्थान में खड़े रहने वाला है, क्रिस्त नहीं, क्रिस्त के स्थान पर खड़े होकर के वो कार्य कर रहा है, लेकिन बलि सचमुच में अर्पित करता है ईसा मसीह। इसी को हम लोग मनन चिंतन करते। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1323 में 1323 के अंदर हम लोग यही पढ़ते हैं, ईसा मसीह के मृत्यु के पूर्व संध्या में ईसा मसीह ने शिष्य लोगों के साथ मिलकर के उस कलवारी बलि का एक रूप रिप्रेजेंटेशन यहां पर कर के बोला, यह मेरी स्मृति में किया करो। और कैटेकिज्म 1337 में 1337 में योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 1 और 2 को, विशेषकर 1 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर हमें मिलता है पढ़ने के लिए, ईसा मसीह संसार में रहते वक्त सबों को प्यार करता है और अब सबसे बड़ा प्यार देने का समय आया, अर्थात क्रूस मृत्यु का समय जब आया, उन्होंने रोटी लेकर के, दाकर से लेकर के अपना वो कलवारी बलि को यहां अर्पित कर किया, रक्त रहित बलि को अर्पित किया। इसका मतलब कलवारी, मैंने पवित्र यूक्रिस्त का कम से कम 100-120 क्लास ले चुका है, सबसे ज्यादा यदि किसी सब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्लास लिया है वो मिस्सा बलिदान के विषय में, उसका एक एक भाग क्या अर्थ है सब मैंने बोल करके दिया है, कई क्लास हो चुका है, अभी हाल ही में भी हमने लिया, इसलिए मैं उसका अंदर नहीं जाना चाहता। तो सबसे बड़ा प्यार का प्रतीक उस कलवारी बलि यहां पर मिस्सा बलिदान के रूप में देख रहा है। यदि हम थियोलॉजिकली इसको स्टडी करेंगे, हम लोगों को रोटी और दाकरस दिख रहा है,
उस रोटी और दाकरस ईसा मसीह ने कहा यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। वो शब्द के द्वारा वो बदलता है ईसा मसीह के शरीर में और रक्त में। वो झूठ नहीं बोला, रोटी दिखने में खाने में सब रोटी था। शिष्य लोगों को उस समय पर समझ में नहीं आया, बाइबल में लिखा है उनको समझ में आया अगले दिन जब उनका मृत्यु हुआ, तीसरे दिन उनका पुनर्जीवित हुआ और 40 दिन के बाद उनका स्वर्गारोहण हो रहा है और पवित्र आत्मा आया, उनका हृदय आंखें पूर्ण रूप से खुल गया। इसी का प्रवचन देना उन्होंने शुरू किया, साक्ष्य देना शुरू किया। जो चीज उस समय पर उनको समझ में नहीं आया था, लेकिन उस दिन से वो लोग प्रतिदिन ये मिस्सा बलिदान अर्पित करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है बोल करके जो रोटी और दाकरस दिया, सचमुच में ईसा मसीह ने अपना शरीर और रक्त को हमें खाने पीने के लिए दिया। इसलिए कैथोलिक चर्च के अंदर प्रतिदिन इसको मनाया जाता है, रियल प्रसंस ईसा मसीह का उस रोटी में और दाकरस में, क्योंकि प्रभु ने कहा यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। योहन का सुसमाचार दिया है 6 को अगर हम 36 से अगर हम पढ़ते हुए जाएंगे, बहुत ही सुंदर इस तरीके से इसको हमें सिखाया है। दूसरी बात, ये कलवारी बलि का मैंने जैसे पहले बोल करके दिया है, ये रिप्रेजेंटेशन है, कलवारी बलि ही है इस मिस्सा बलिदान के द्वारा। इसका मतलब कलवारी बलि में अपने शरीर रक्त को हमारा भोजन के रूप में हमारे मुक्ति के लिए उन्होंने अर्पित किया, उसको ग्रहण करने का तरीका है रोटी दाकरस के रूप में ईसा मसीह को हम यहां पर ग्रहण कर रहा है। और ये ग्रहण करते हुए ईसा मसीह के साथ हम एक बन जाता है, हमारा जो यूक्रिस्तीय जो कम्युनियन जो ग्रहण करना वो हमें क्रिस्त के साथ एक बनाता है। क्रिस्त के साथ एक बनने के लिए यही एक तरीका प्रभु ने अपनाया और कलीसिया में यह आदेश दिया, यह मेरे स्मृति में किया करो, करने के लिए आदेश भी दिया। और इसके अंदर हम लोगों को मालूम है सबसे पहले रोटी और दाकरस है, इसके बाद ईसा मसीह ने जो शब्द को इस्तेमाल करके ये मेरे शरीर है ये मेरे रक्त है, वही शब्द को यहां पुरोहित द्वारा बोलते हुए उस शब्द महत्व रखता है। और तीसरा वो एक कमांड इसके बाद देता है, यह मेरा स्मृति में किया करो, डू दिस इन मेमोरी ऑफ मी, ये कमांड। ये तीन बात, इसका मतलब रोटी दाकरस उसका अर्पण करते हुए, ईसा मसीह ने जिन शब्दों को इस्तेमाल किया उस शब्द को इस्तेमाल करते हुए वहां पर ट्रांससब्सटेंशिएशन, उस रोटी और दाकरस प्रभु ईसा मसीह के शरीर और रक्त में बदलना और उसको हम ग्रहण करते हैं और ईसा मसीह के पूरे जीवन को ईसा मसीह के स्मृति में उस मिस्सा बलिदान को अर्पित करना, अर्थात इस मिस्सा बलिदान ईसा मसीह का जन्म से लेकर के स्वर्गारोहण पवित्र आत्मा का पूरे जीवन को वहां पर हम लोग एनैक्ट किया जाता है। उस यूक्रिस्तीय प्रार्थना के अंदर ईसा मसीह के जन्म से लेकर के मृत्यु और उनके पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा का आगमन, इन सभी घटनाओं को हम लोग स्मरण करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने एक सवाल किया, जैसे रोसरी के अंदर मैंने एक एक भेद को बोल करके जा रहा है, रोसरी करने के लिए बोला और विशेषकर मैंने 4 रोसरी करो कर करके बोला, तो एक भाई को एक डाउट है, मैंने जवाब दे चुका है उसके कमेंट के अंदर ही, हाँ लेकिन यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ, उन्होंने ये सवाल किए 4 रोसरी करना जरूरी है क्या, एक करना काफी नहीं है। मैंने यही सिखाया, 4 रोसरी जब करते हैं 20 भेद, तभी ईसा मसीह के जन्म से लेकर के स्वर्गारोहण जो पवित्र आत्मा के आगमन तक का मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करते हैं, 20 घटनाओं को याद करते हुए आ रहे। आज हम लोग 10वां घटना याद कर रहा है, प्रकाश का भेद का 5वां, आनंद का भेद का 5 हम लोगों ने मनन चिंतन किया और आज प्रकाश का भेद का 5वां है। 10 घटना हमको मनन चिंतन के पूरे बाइबल के आधार पर है,
ईसा मसीह ने जो मुक्ति कार्य किया उसमें जो भी कार्य किया उस पर हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं। अभी दुख का भेद और महिमा का भेद बाकी है। इस प्रकार का 20 भेद जब मनन चिंतन करते हैं, ईसा मसीह के पूरे मुक्ति कार्य को हम मनन चिंतन कर रहा है। पवित्र मिस्सा बलिदान भी इसी प्रकार, एक मिस्सा बलिदान में आप भाग लेंगे, ईसा मसीह के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सारे घटनाओं पर मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करते हैं, और यूक्रिस्तीय बलिदान धन्यवाद देते हैं उसके लिए। मसीह का वो दुख पीड़ा, वो कष्ट हमारे मुक्ति का कारण बना, इसलिए ईसा मसीह के द्वारा हमें जो मुक्ति मिला, पिता को धन्यवाद देने का एक प्रार्थना है ये यूक्रिस्तीय बलि। इसलिए रोज मिस्सा बलिदान में भी भाग लेने के लिए इसलिए सिखा रहा हूं, रोज प्रभु को पिता को धन्यवाद देने के लिए सबसे उत्तम प्रार्थना, और प्रभु के साथ एक हो जाता है, कम्युनियन में आता है, इससे बढ़कर के कौन सी प्रार्थना है? मिस्सा बलिदान। मिस्सा बलिदान में ईसा मसीह के पूरे जीवन को हम स्मरण करते हैं और उसके लिए धन्यवाद देते हैं। रोसरी माला में इन चार रोसरी जब हम रोज करेगा तब एक पूर्ण रोसरी होता है। उस पूर्ण रोसरी अर्थात 20 वेद का चारों रोसरी करते हुए हम लोग प्रभु ईसा मसीह का पूरा मुक्ति कार्य को याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए यूक्रिस्तीय बलिदान के बाद अगला शक्तिशाली प्रार्थना रोसरी प्रार्थना होता है, वचनों पर मनन चिंतन करते हुए ये सब हम लोग करते हैं। और मिस्सा बलिदान में जब हम भाग लेते हैं वो हम लोगों को उस क्रिस्तीय जीवन के अंत में वो स्वर्ग राज्य का जो अनुभव, जैसे मैंने कई हर एक क्लास में एस्केटोलॉजी शब्द को इस्तेमाल किया, वो अंत का जो उस आनंद में हमें लेकर के जाने वाला, ये पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए इस यूक्रिस्तीय बलि में भाग लेकर उसको ग्रहण करना स्वर्ग राज्य के उस भोज में भाग लेने का एक पूर्वास्वादन है। और पवित्र बाइबल में पुराने विधान में जिस प्रकार पास्खा भोज हो या मलकीसेदेक रोटी और दाकर से लेकर के ये सबका मैंने पुराने विधान के जो बलियों के विषय में सब क्लास ले चुका है, वो ईसा मसीह के बलि में कहां पूर्ण हुआ ये सब क्लास ले चुका है, इस सबको थोड़ा मिला करके देख लीजिए। सबसे उत्तम प्रार्थना, शक्तिशाली प्रार्थना, ईसा मसीह को स्वयं हम ग्रहण करते हैं इसके द्वारा। इसलिए मिस्सा बलिदान में भाग लीजिए, योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण कीजिए। अयोग्य है, पाप स्वीकार करना है। यदि मान लो आप बपतिस्मा नहीं लिया है, पाप स्वीकार नहीं कर सकता है, मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के इसके बाद कलीसिया सिखाते हैं आत्मिक रूप से ईसा मसीह को ग्रहण करो। रोटी और दाकरस के रूप में ग्रहण करने के लिए मना होता है, लेकिन मिस्सा बलिदान के अंदर आप आत्मिक रूप से प्रभु ईसा मसीह को ग्रहण कर सकता है। हमारा पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब का जो स्टार्टिंग में ये प्रार्थना लिखा हुआ है, आत्मिक रूप से प्रभु ईसा मसीह को ग्रहण करने का प्रार्थना है। हम इस प्रार्थना को करते हुए बार बार प्रभु ईसा मसीह को ग्रहण कर सकता है, और मिस्सा बलिदान इसके लिए एक उत्तम प्रार्थना है। हमें मालूम है जो पुण्य गुरुवार मुंडी तेष्टि पवित्र मिस्सा बलिदान का पर्व का दिन होता है, पुरोहिताई का पर्व भी है। ईसा मसीह ने यहां पर पुरोहिताई को भी ठहराया, यह मेरी स्मृति में किया करो बोल करके नया विधान के पुरोहित के रूप में शिष्य लोगों को बनाया, उनके ऊपर फूंक करके कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, उनका अभिषेक करते हुए पाप क्षमा करने का अधिकार, पवित्र मिस्सा अर्पित करने का अधिकार, यह सब प्रभु ईसा मसीह ने अपने 12 चेलों को दिया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने प्रकाश का भेद का, मिस्ट्री ऑफ लुमिनस मिस्ट्री का पांचवा भेद पर मनन चिंतन किया, परम प्रसाद की स्थापना, पवित्र यूक्रिस्ती की स्थापना,
प्रभु ईसा मसीह अपने पार शिष्यों के साथ इस अंतिम भोजन को मनाया और एक आदेश दिया, यह मेरी स्मृति में किया करो। ईसा मसीह के जन्म से लेकर के मृत्यु स्वर्गारोहण सबों पर मनन चिंतन करने के लिए प्रभु ने इस यूक्रिस्तीय संस्कार को ठहराया। इसके द्वारा ईसा मसीह के पूरे मुक्ति कार्य पर हम प्रार्थना करते, धन्यवाद देते। यूक्रिस्त प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना ईसा मसीह के लिए, उनके मुक्ति कार्य के लिए हम पिता को धन्यवाद देने वाला प्रार्थना है। इसमें रोज भाग लेने का निर्णय करें। योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कर क्रिस्त का शरीर में एक बनने का अवसर इसके द्वारा हम लोगों को मिलता है। कम्युनियन विद क्राइस्ट यूक्रिस्त के द्वारा यह संभव है। निर्णय कीजिए योग्य रीति से पाप स्वीकार कर योग्य रीति से इसे ग्रहण करने का, और इसके द्वारा चंगाई चमत्कार सब हमारे जीवन में होवे। हमारे जीवन के बड़े बड़े घटनाओं पर, चाहे हमारे बर्थडे हो, मैरिज डे हो, बच्चों का परीक्षा, सबके पूर्व में हम लोग पवित्र मिस्र बलिदान में योग्य रीति से भाग लेकर उन्हें ग्रहण करने का एक निर्णय कीजिए। यदि संभव है तो रोज मिस्र बलिदान में भाग लीजिए। इसके द्वारा आपका जीवन, आपका परिवार का जीवन सब बदल जाएगा, क्योंकि हम प्रभु को ग्रहण करता है। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।